सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। बाद के वस्त्राल एरिया में हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक युवकों का एक ग्रुप है। ये सारे जो युवा हैं, ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश से हैं। ये यहां पर आसपास की फैक्ट्रीज में काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। उनको किसी प्रकार की धमकियां मिली कि आप गुजरात छोड़ के चले जाओ, और उसके बाद ये लोग यहाँ पर इस शेल्टर होम में आकर रहने लगे। इस शेल्टर होम में फिलहाल काफी मात्रा में इस तरह के युवा रह रहे हैं। ये पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या तकलीफें हैं और ये यहाँ पर क्यों रह रहे हैं और अभी इन्हें आगे क्या करना है। मैं कानपुर जिले का रहने वाला हूँ, बालीपुर गाँव का। मैं हम लोग दोपहर में काम कर रहे थे, करीब 4:30 बजे। आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे थे। काम कर रहे थे और 30-40 लोग के आके डंडे और लाठी लेके आए सब लोग, और बस यही पूछते थे किधर के। हम लोग ने बोला कि हम लोग यूपी के हैं, और बस इतना ही पूछते थे। आप लोग यूपी के बस तुरंत ही मारना चालू कर देते थे, इसलिए वो 3 तारीख को आए थे और बोल के गए थे 2 दिन का मोहलत दे रहा हूँ, अपने यूपी चले जाओ वरना साले गुजरात में मारेंगे। इसलिए हम लोग तो कौन थे ये लोग, क्या कह रहे थे? मतलब वो लाठी लेकर आए थे और आप ही को क्यों टारगेट किया? ये लोग कौन थे? अपनी इन लोगों ने अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या बताई? नहीं, ये लोग इन्होंने अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं बताई है। फिलहाल बस इतना ही पूछते थे कि आप लोग किधर के। हम लोग बताते थे यूपी के, बस इतना ही मारना चालू कर देते थे। आपको मारा था? हाँ। आप क्या काम करते हो? हम तो फिलहाल कंपनी में वो ये अपना ममरा वगैरह है, इसको पैकिंग होता है मशीन से, वही कर रहे थे। तो कानपुर में आपके घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं? हमारे घर में करीब 6-7-8 लोग हैं। हमारे मम्मी पापा हैं और एक छोटी सी बहन और एक भाई है, और हमारे बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, और भैया लोग हैं, बहन भी हैं, तमाम सारे लोग हैं। तो उनमें से अहमदाबाद में कितने लोग हैं? आप अकेले हो अहमदाबाद में? अहमदाबाद में हम तो फिलहाल अकेले हैं। और कब आप गुजरात में कब आए यहाँ पर रहने के? गुजरात में हमको 4 महीने हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए। तो ये कुछ युवा जो हैं वो बात कर रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा हैं, 2 भाई हैं, मैं और शादी हो गई, मेरी बेबी भी है। आपकी बीवी वो कहाँ पर रहते हैं? घर पे, मतलब यहाँ पर अहमदाबाद में या गाँव रहते हैं? आपका गाँव क्या है, आपका गाँव कौन सा है, आप जरा बताएंगे? कानपुर के पास समाऊ गाँव, रतनपुर समाऊ। अच्छा, और यहाँ पर अहमदाबाद में आप क्या काम करते हैं? नमकीन बनते हैं, पापड़ आपड़ा नहीं बोलते हैं, ये बनता है। और कितना पैसा आप यहाँ पर कमा लेते हैं? महीने में 7,000 मिलता है। अच्छा, और उसमें से घर में कितना भेज पाते हो? 6,000। 6,000, तो 6,000 में आपका जो परिवार है वो परिवार में चल जाता है? हाँ, चल जाता है। और यहाँ पर आपको क्या हुआ था, उस दिन की क्या घटना है, आप क्या कर रहे थे और क्या हुआ था? काम चालू था, वहाँ हम लोग कोई काम कर रहे थे, भीतर आके 25-40 लड़के आके घुस गए, और जो बाहर जो काम कर रहे थे उनको मारना चालू कर दिया। हम लोग उन्हें यह पूछा कहाँ से हो, हमने यूपी के हैं, बस मारने लगे। यहाँ तो कर रहे थे 24 घंटे में, यहाँ तो निकल जाओ ना तो बाद मारेंगे। तो बाद में आपने घर छोड़ दिया अपना? नहीं, तो हम लोग अपने गाँव जा रहे थे, तब तो महेंद्र भाई का नंबर मिला था, इधर आ गई। अच्छा, अगर मन नंबर नहीं मिलता तो शायद आप गांव चले गए होते अभी तक। यहाँ पर ये जो शेल्टर होम है, यहाँ पर बहुत सारे लड़के फिलहाल पिछले कुछ दिनों से रह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि गुजरात में एक 14 महीने की बच्ची के साथ किसी परप्रांतीय युवक ने जब रेप किया, तो उसके बाद वो जो घटना थी, वो घटना ने एक विकट स्वरूप लिया, और उसके बाद जो परप्रांतीय लोग हैं, जो गुजरात से नहीं है, खास करके जो हिंदी भाषी हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के जो लोग हैं, जो हिंदी बोलते हैं, उन लोगों को टारगेट किया गया और उन लोगों को कुछ ग्रुप्स ने मारा, और वो लोग अपने घर बार छोड़कर गुजरात छोड़ने के लिए मजबूर हो गए।